स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक तो। पिछले ब्लॉग तुम देखे होना आप पहुंचे से पछ्छमी बंगाल के शहर सिलीगुड़ी तो गैंगटॉक। तो अज के ब्लॉग असी देना है राजधानी का गेड़ा, तुहानू दिखाउणा सिक्किम की राजधानी किहो जी है। तो असी कुछ परमिट लेने हैं क्योंकि सिक्किम के चारे पासे बॉर्डर लग जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ने। एक पासे चाइना लगता, नेपाल लगता, भूटान लगता, तो करके थोड़ा यह सेंसिटिव एरिया। तो हर किते जाण दी इत्थे परमिशन लेनी पैंदी है अलग तो। तो वह परमिशन मिलदी हैं किवें मिलदी हैं तो नाल वो दिखावांगे। सो देखते रहो साडा किवें दा रहिंदा अज दा दिन। जे आपां गल करिए वैदर की, सवेर के 9 बजे हुए तो 19 डिग्री तापमान है। रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, 11-12 डिग्री टैंपरेचर होंदा रात का। तो बाहरले पासे का माहौल कुछ दिखाने। ओहो, ये जमी हुई है सारी, फॉग कह सकते हो, शीशियां दे धुंद आई हुई हैगी क्योंकि ठंड काफ़ी पैंदी है यार इन्हां दिनां च भी। अप्रैल तो लगभग खत्म हो गया तो मई का महीना शुरू होने आया, हजे भी ठंड है सिक्किम च। बाकी हुण आपां बाहरले पासे चलते हैं तो गेड़ा दिंदे आ। तो इहो जिहा कुछ साडा रूम सीगा, ये वैसे थोनू कल असी दिखाई दिता सीगा। तैयार हो जी? चलिए। तो एक गल तुहानूं होर दसदा बई, सिक्किम महंगा बहुत है, मैं ये बारे सुनिया सी पर पता लगन लग गया। खुशी रूम किन्ने च बुक किया? 2000। इत्थे मैनूं लगदा है सस्ता रूम है। ते जे तुसी चंगा फैमिली नाल आ रहे हो ना, चंगा वधिया रूम लैणा, तुहानूं 1500 तो घट रूम नहीं मिलता। तो जिवें होर किते आपां देख लैने है ना सस्ता हुंदा गा। ते इह खैर पहाड़ी इलाका है, अपना अपना उह हुंदा। वधिया रहे यार खुशी, तुसीं तां आह फलीस पा ली। ठंड लग रही है बाहर है ना? बाहर ठंड है बहुत। वैसे थोड़ी थोड़ी धुप्प भी निकली हुई है यार अज, ये गल वधिया। कल मीह पै रहे जो असं कल इतने पहुंचे सी। लै भी अज दिखाइए फिर तुहानू सिक्किम की राजधानी। होटल तो चले असं बाहर अपने। गुड मॉर्निंग। वैसे कहिंदे गैंगटॉक च कुछ ज़्यादा देखण नू है नहीं गा, तो ज़्यादा सानू इशू परमिट्स दा। परमिट्स लैने उहदे लई पता करके आउणे असीं सारा भी किवें मिलणगे। गैंगटॉक च पंजाब दे नाते होटल तां खुले हुए शेरे पंजाब। असं इतने रूम पुछे, मैं क्या पंजाब का हूँ इतने ले लें, कहते 4,000 4,400 कमरे का किराया। सो जिमें तुम दस महंगा बहुत है कम इतने। ये देखा जाए जोड़ा यह शहर है, वैसे है तो हिमाचल के शहर वर्गी है, जिमें अपने शिमला ज मनाली है, जोड़े पहाड़ों वसे हुए शहर होंगे है। फर्क बस यह है, एक तो यह सिक्किम च है, जोड़ी चीज़ दूर जो होंगी कहते वैसे ज़्यादा सोहनी लगती है। तो बाकी साफ सफाई थोड़ी जी ज़्यादा हैगी है इतने ते हिमाचल के शहर नालों। कुछ आए हैं जिमें चेहरे मोहरे का फर्क है, लोग होर ने, खाने पीने होर ने, करके थोड़ा जा मन नूं भाउंदा हैगा। इस शहर च ना तुरन फिरन लई आ साइड ते सारा बनाया होया है, शिमले वगैरह भी वैसे हैगा। पहाड़ों च थोड़ी जी प्रॉब्लम आउंदी हुंदी है, ते मतलब सड़कां ते ट्रैफिक ना होवे, तां करके जिवें पहली बोलिया मैनेजमेंट बहुत वधिया हैगी। ते बाकी पता नहीं सवेर का टाइम है, हजे 10:30 बजे हुए आ, ते ट्रैफिक इन्नी ज़्यादा मैनूं दिखता नहीं रही। तो फैसिलिटी की गल करिए, कुल फैसिलिटी है शहर के, भावें फूड चेन्स ला लो जां तुसीं जां होटल्स, तो तुहानूं दिखाई देते किड्डे किड्डे महंगे तो किवें किवें है ना। तो बाकी होर ईवन एप्पल स्टोर भी है, कल असीं रात देखिया सीगा। एक गल तुहानूं इत्थे होर दसदा, जिहड़े सिक्किम दे लोग है तो गोरखा कम्यूनिटी जी आउंदी है, तो बोली है जिहड़ी इहनां दी नेपाली बोलदे आ। या ते वैसे एक दूजे नाल कम्युनिकेट करन लई जिवें एक तरह की जिहड़ी लैंग्वेज हुंदी है, जिवें अपने पंजाब च माझी है, दुआबी है, मलवईआं की बोली है, अलग अलग है ना। तो अपने वैसे बोलते आपां पंजाबी आ, पर इन्हां दी जिहड़ी कबीलियां की बोली भी अलग अलग है। तो आल ओवर यह नेपाली बोलते, जिहड़े ऑफिशियल कामकार आ वो सारे इन्हां दे अंग्रेजी च हुंदे आ। हिंदी तो बोलदे ही बोलते हैं। असीं एम जी रोड नूं जा रहे हाँ, जिहड़ी इत्थे देखण योग थां हैगी। वो एक एम जी रोड है, ताशी व्यू पॉइंट है, तो एक रोपवे आ, बाकी योजी कुछ थावान ने इतने देखने वाली। जोड़ा भीड़ भड़क है वो ये शहर च भी बहुत ज़्यादा है, जिमें किसी भी पहाड़ी शहर च होंगे गा, पता नहीं ऐ होंगे भी थां घट हों, थां की घाट करके थोड़ा जा ज़्यादा रश रहा जा भीड़ भड़का रहा होंगे गा। तो सिक्किम की ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ, वाकई मैं लगता ग्रीन स्टेट हैगी क्योंकि तुम इतों देखो मतलब कितना सोहना तो साफ सुथरा इन्हें बनाया हुआ है। राजधानी च ना फुल लागे रखे हुए हैं, जितों जितों की पब्लिक जाती है आ लोग तुरते हैं, आ सारे फुल लाए हुए हैं। इहनूं होर भी सोहना बनाउंदे आ, देखो कि देखण नूं ही कितना सोहना लगता है ना। बाकी गवर्नमेंट दे यार वह बनता है, मैं अप्रीशिएट करना बनता जिहड़ा मतलब पब्लिक नूं जां इन्ना सोहना सहूलत दिंदी है ना,
देखने को टूरिस्ट आया सोहना लगता है तो ही लोग कहें भी सिक्किम की जी राजधानी है देखने वाली है बहुत ज़्यादा सोहनी है। तो थोड़ा जहा व्यू भी दिखता है राजधानी का मैं ऐसी तुम्हें व्यू दिखा दें। वैसे सोचा जाए तो यार ये शहर सारा होटलों नाल ही भरया पे वो जिन्हें तुम सामने देख रहे हो सारे ये होटल ही होटल है वो पहाड़ दूर तक। फाइनली हुण असीं पहुँच गए ये शहर की जिहड़ी शान है वो हैगा एम जी रोड। एम जी रोड रोड का मतलब है महात्मा गांधी रोड। तो जिमें अपने मॉल रोड वगैरह बने होंगे शिमले माह रोड बने हैं ज मनाली माह रोड बने डलहौजी माह रोड बने हिमाचल के जिन्हें भी शहरों च बने हुए हैं उमें इतने एम जी रोड बने हुए है। जिनी शाम की रौनक होंगी है वो इतने होंगी है। अजय सवेर है सवेर करके थोड़ी जी जी भीड़ है वो इतने घट है लोग घट बहर निकले हुए है जी। तो बाकी तुसी शहर की खूबसूरती देखो जिमें थानू थले फुल वगैरह दिखाए से ना सारे कितने लगे हुए उस तरह ये शहर के लगे हुए है मार रोड के मतलब साफ सुथरा है ये गल मतलब क्लीयर है बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है शहर चाह वेचन बेलपुरी वेचन योजा सारा कुछ जो जहाँ मनाली वगैरह चलता होंगे वो वैसे इतने भी चल रहा है सही है। इतने वैसे जो वैसट बंगाल वगैरह के लोग है वह ज़्यादा आते हैं तो कुछ लोग बिहार के जहाँ आ जाते हैं तो अपने पंजाब करनी तो बहुत घट लोग इधरले पासे आते स्केचर का शोरूम खुशी देख के ना जी शूज़ वगैरह ले लेंगे भाई। वैसे तो पहाड़ों च सारिया चीज़ा महंगी मिलती होंगे पर स्केचर ने देखना क्योंकि इतने बाहर सेल लाई हुई है ज एक होर भी है देखना अपने कुछ डिफरेंट मॉडल्स हो गए कना एरिए हिसाब ना ना इतने अपने वाले मॉडल घट मिलते हैं गो वॉक वगैरह तो इतने ट्रैकिंग वाले ज़्यादा मिल रहे हैं सारे ट्रैकिंग वाले शूज़ है अपने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे है भी वैसे तुरन फिरन वाले वॉकिंग वाले है ना शो इन्होंने ऑफ भी नहीं बहुता लाया कोई 20,000 की शॉपिंग 4,000 रुपया ऑफ लाया हुआ है सिर्फ मानना इन्हों सस्ता वाला सीगा फिर असी सोचा भी खरीदो फरोख्त वाला जो काम है रह नहीं दीए तो बाकी असी पहली पार्सल करके आए जो तुम दो ब्लॉग पहला देखे होना ना रिपन की तो नींद फिटन लगी सी मैं ऐसी भी पार्सल क्योंकि नॉर्थ सिक्किम च ना ट्रैकिंग वगैरह वाले शूज वधिया रहिंदे मैं लैण दा इच्छा सी मेरी पर उन्नी वैरायटी नहीं जिवें अपने बरनाले हंडियाए आउटलेट ते बहुत ज्यादा वैरायटी है एक्सपेंसिव भी बहुत है खुशी मैं लगता किन्ने 18,000 दे लिखे हुए सी बुक तुसी ये शहर च आके होटल लेणेगा तां जे तुसी एम जी रोड दे नेड़े लाओगे तां तुहानू एक्सपेंसिव पऊगा जिहड़ा असी होटल लिया एम जी जिहड़ा इह जिथे असी फिरदे एम जी रोड ते तो इतों सिर्फ 350-400 मीटर की दूरी पर है। वैसे जोड़ा यह शहर है 7-8 किलोमीटर लंबा फैलिया हुआ मतलब एम जी रोड तो 8 किलोमीटर थल्ले ही ये शहर शुरू हो जाता पर है इदा भी चढ़ाई कदे उतराई तो फिर मतलब उन्ना थोड़ा टैक्सी का किराया पै जूगा चाहे सस्ते मिलता उत्थे मिलता 800-1,000 रुपए जो शायद हेठा कमरा मिल सकता 200 जाने 200 आने 400 डेली का जो तुम 3-4 दिन रहना मतलब खर्चा उत्थे ही पै जाता है। एनो बैटर ऑप्शन ये है भी तुम जदों भी इतने आओगे तो जोड़ा होटल है वो तुम इस इलाके इस एरिए ले लो एम जी रोड। असी अज साडे होटल तो भी नहीं ब्रेकफास्ट करके तुरे सानू इन्नी काली सी देखने की बाकी यदि काली नहीं असल सानू परमिट्स बनाने की काली असी कोई टूरिस्ट वो देख रहे हैं क्योंकि जेडे तुम नॉर्थ सिक्किम लिए परमिट बनाने 1-2 दिन पहला बनाने पैदा तो नाल नाल इत्थे ब्रेकफास्ट कर लाँगे ये सोच के तुरे हैं रोडती हूँ असी कुछ खाण पीण दे लई रुके हैं अग्रवाल हैगा पता नहीं कुछ ये देखते हैं कि मिलू रोटी वगैरह तो इतने मिलती नहीं अपने वाला कम जां तां चावल वगैरह जां साउथ इंडियन कुछ मिल जाता आलू पराठा और चाय अच्छा मिल्क टी ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰੌਂਠਾ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਦਰਕ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਠੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 90-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਆ ਵਲੌਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਜਦੋਂ 1962-65 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
होम मिनिस्ट्री होंगी है जी, वो तो परमिशन लेनी पैंती हैगी मतलब होम अफेयरस तो करके इतने तुम्हें जिन्हें फॉरनर अपने शिमले मनाली मिल जाएंगे वो इतने नहीं मिलते। पिछले ब्लॉग तुम देखे होना जो असं इतने पहुँचे थे सड़क इतने बहुत ज़्यादा साफ सगियाँ, भी कारण यह है क्योंकि आर्मी रोड में यूज़ करती है धुर बॉर्डर तक जाने के लिए, तो करके सारिया साफ सुथरी सड़क बना के रखी हुई हैं। खत्म हो गया हुण असीं दूसरे पासे दी इहदे वापस मुड़दे आ ते जिहड़े इत्थे हुंदे बजुर्ग लोग है वह धुप सेकण भी बैठे हुए है ना खुशी, जिवें आदे काफी इन्हां ने जिवें जैकटां वगैरह पा के इत्थे धुप सेकदे, जिवें आपां सर्दियां दे महीने अपने पोह माघ दीआं धुप्पां हुंदीआं मठियां मठियां जिहीआं ते आपां उत्थे बह के धुप सेकदे आ, उही कम इत्थे इत्थे बह के गप्पां शप्पां मारदे आ। यार ये गल तो हैरान हाँ, मतलब पहाड़ा दियाँ राजधानियां तो बहुत देखियां पर इन्ना साफ सुथरा तो इन्नी सोहनी राजधानी वाकई कदे नहीं देखी, ये गल तो मतलब पक्की है। इत्थे जे तुसीं इन्नी दूर आउंदे राजधानी च ना तुहानूं खुशी दिंदी है ये राजधानी कि हाँ वाकई यार कितें आए हैं है ना दूर देखण। अमृतसर च होया सी G20 सम्मेलन, हुणे हो के हटे बहुत सारे कंट्रीज़ ने इन्हां च हिस्सा लिया सीगा ते उहदा इत्थे मैनूं लगदा हटाया नहीं हजे तक, वैसे तो G20 होए नूं डेढ़ महीना महीना लंघ गया। खाण पीण नूं इत्थे सानूं कोई बेस्ट ऑप्शन लगी नहीं, परौंठा बहुता वधिया नहीं लग्या सो सोचा यार डोमीनोज ही खा लैंदे आ, नाले वैसे भी बाले दिन हो गए असी हैल्दी फूड तो इन्ना की खाने हैं दो क दिन ही खाना होंदा फिर बाद चो इहो जिहे कस्ती आ जाईदा। लो जी आ गया समान, खाना पीना हो गया जी, ढिड भर गया गिरा। हुण आपां चले आ जी MG रोड तो बाद ताशी व्यू पॉइंट, तो उतों कहिंदे सारे शहर का व्यू दिखदा वो दिखाउणा है, तो नाल नाल यार असी अपने परमिट्स का भी पता करना है सानू कोई ना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम वेलकम टू सिक्किम, इत्थे नहीं असी जिहड़ा टूरिज्म का ऑफिस है जां तां उत्थे जाणे जां फिर उस तो बाद असी जिन्नियां कोई ट्रैवल एजेंसीज हुंदियां उहनां नाल गल्लबात करनी है। वैसे तो सानू काफ़ी सारे फौजी वीरां दे मैसेज आ रहे हैं जिन्हें भी पंजाब तो इत्थे ड्यूटी देंदे आ क्योंकि उहनां नूं पता लग गया भी असी सिक्किम आए हुए हैं, तो पिछले ब्लॉग तुसीं देखे होना सानू गुरदासपुर तो मिले सी साहब बहादुर एक तो वो छुट्टी पर चले गए, वैसे तो वह भी फोन पर जिन्नी कहो रही है मतलब मदद कर रहे हैं पर पता ये लगे पुछ पड़ताल इतने करके थोड़ा जहा भी इतने परमिट तो बिना अगे नॉर्थ सिक्किम च वो एंट्री परमिट बनाने लई तुहानू पहला किसी गड्डी दा कार दा टैक्सी दा नंबर चाहिए क्योंकि वो दे विच फिल होंदा फिर अगे जा मतलब तुसीं ये नहीं हैगा जिवें बसेज ते जां आपां सोमोज ते पिछले तुसीं नेपाल सीरी च जां पिछों सिलीगुड़ी तो जो आए थे देखना भी शेयर टैक्सी बह के चल जाते मतलब उस टैक्सी जाना पैना उस टैक्सी सेम मतलब थोड़ा परसनल हायर करनी पैनी है तो वो थोड़ा जहा एक्सपेंसिव पै रहा मैं लगता 20,000 खर्चा दसद है तो बाकी देखते हैं जो ट्रैवल एजेंसी असी किसे जाना है उतो पक्का फाइनल पता करते हैं तो जा फिर आर्मी वाले सानू कह रहे भी असी जिहड़े पंजाब तो हैं भी असी अपना कोई व्हीकल दे देंगे थोड़ा उधर जाने लई तो उत्ते जा सकते हैं बुलेट वगैरह है ना, पर फिर मैनू एदा बीबा राणी दा डर है खुशी जी बीमार बहुत छेती हो जाती है मोटरसाइकिल जो बाइक से जावे ठंड लग जूगी तो बाकी देखते हैं अगले व्लॉग जो तुम्हें पता लग जूगा है ना अज तुर फिर के सारा पता लै रहे बन के बिठा लिया जिन्या जरूरी जरूरी इन्फॉर्मेशन होंगी है ना मैं ये होंगे भी तेरे मैं सारिया शेयर करा तो हूँ ताशी व्यू पॉइंट जाने लिए इतों 8 किलोमीटर जाता थोड़ा परसनल टैक्सी करनी पेगी टैक्सी एक्सपेंसिव पेगी जो परसनल हायर करा तो फिर इतने चिल्ड्रन पार्क दस है कोई चिल्ड्रन पार्क के कोलों उतों शेयर टैक्सी चलती है जो तुम आओ तुम भी फैसिलिटी वो यूज़ कर सकते हो असी तो इतने पता कर रहे हैं कि चिल्ड्रन पार्क पहला किस साइड नूं है तो वो देखो जिवें ब्रिजा ने पूरे शहर च ब्रिज बने हुए इस तरह के उपर दियां सड़कां दे क्रॉस करन नूं है ना तो जां हा जिवें फुल वगैरह पूरे राजधानी च इन्होंने लाए हुए है। ये शहर की एक गल तुहानूं होर मैं खास दसदा वैसे पिछले ब्लॉग जी मैं ये गल बोली सी ये शहर च कोई भी रिक्शा जां फिर जिन्हें ई रिक्शाज होंदे है तो वह नहीं चलते सारिया टैक्सीज चलदियां तां करके भी कुछ महंगा जिवें आप 10 रुपए दे के एक शहर च कितों कितें वग जाने वो कम नहीं इतने है टैक्सीज है जड़ियाँ तो उन्होंने जाना पैंदा घट्टो घट 100 नहीं 200-300 पक्का चार्ज करते हैं। ये सामने आ गया चिल्ड्रन पार्क ये कुछ यहो जहा दिखता है ये वैसे घा का मैदान या वैसे पार्क नहीं है ये टैक्सी स्टैंड है लोकल टैक्सीज लई तो इतों पुछदी हाँ जो टैक्सी मिलेगी किन्ने रुपए लगेगी। ये गड्डी ले ली जी आप भाई साहब की तो यदा सीन यूं होया
कितना टाइम लग जाएगा भाई साहब जाने को, कितने किलोमीटर है यहाँ से आपको? 7 किलोमीटर। क्या आप यूट्यूबर हैं? हाँ हम यूट्यूबर हैं, इसलिए पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक और बात बताओ, ये नॉर्थ सिक्किम और नाथुला भी खुला है जहाँ बंद है नाथुला पास? नाथुला पास हाँ होगा सही, तो अभी होगा, मैं तो नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं गया, गाड़ी नहीं जाने देंगे, बड़ा बड़ा गाड़ी। अच्छा, बड़ा गाड़ी जाने देते? हमने किसी से पूछा, वो बोल रहे हैं बंद है, नहीं जाने देते उधर। हाँ सही, तो अभी वो बर्फ ज्यादा है ना इसलिए। हाँ बर्फ ज्यादा है, एवलांच आया था समथिंग, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैं ना आप शिमले च देखते हैं, उ जाखू हिल बनी हुई है, तो उतो पूरा शिमला शहर दिखता, व्यू दिखता है। उमें इतने भी सिमिलियर ही है जोड़ा, इतने ताशी व्यू पॉइंट एक पहाड़ी से लैके जा रहे हैं हूँ सूँ, ये पहाड़ी के उपरों शायद उतों पूरा जो गैंगटॉक राजधानी का व्यू है तो वह दिखूगा। बोधी मंदिर ना तुम पहाड़ों के सारे कितने बन्ने मिल जाएंगे इधरले पास, सारे नॉर्थ ईस्ट बुद्धिज्म मनने वाले लोग है। यह राह जाते जाते असी एक वाटरफॉल पर रुके हैं, जिमें अपने मकलौड़गंज वाटरफॉल है बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उ कुछ इतने है जिमें थोड़ा दस रहा है तो सिमिलर ही एटलीस्ट सारिया चीज़ा तो अपने हिमाचल के नाल। तो इतने आ जिमें ड्रैसेज पा के फोटोज वगैरह कराइया जा रही, जिमें हिमाचल आप उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रैसेज पाने ना, ये सिक्किम दी ड्रैसेज ने जो जी, तो यदा नाम है बक्तम वाटरफॉल। कुछ खास नहीं वैसे, जे तुसी जांदे जांदे इधर नूं जाके देखना है रुकना तो रुक सकते हो, वैसे कोई बहुता वड्डा नहीं। मकलौड़गंज वाला जिहड़ा वाटरफॉल जिन्हें देखे वो बहुत वड्डा है, जां मेघालय दे जिन्हें वाटरफॉल्स देखे वह बहुत ज़्यादा वड्डे है। तो ये आला दुआला इतों का सिक्किम का, इतने भी जिवें नेपाल वांगू मैनूं फीमेल्स की रेशियो बहुत ज़्यादा लगती है, मेल्स इतने घट है। जिन्ना यह रोड है अगे ये नॉर्थ सिक्किम में जाता है, आप जो अगे जाना चुंगथंग जाना है ज लाचिंग जाना, वह सारा इस रोड पर पै जाता। आ जिमें थोनों दस्या ना कि बुद्धिज्म के मंत्र बहुत ज़्यादा बन के रखते हैं। आबादी की गल करिए जेडे ये शहर 1.5 लाख 2 लाख लोग इस शहर च रेंदे हैं राजधानी, तो हिंदू मुस्लिम तो सिख भी, सिख तो आर्मी वाले है वैसे, तो बाकी बोधी तो क्रिश्चन सारे तरह के लोग रेंदे है ये राजधानी के। अपने जिमें लेह लद्दाख जिन्हें रोड आ BRO बनाई है, तो इतने भी यह बॉडर पै जाता सारा, सिक्किम स्टेट है जी बॉडर के नाल है, इतने भी बॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन यदा फुल नाम है, यही इतने सारे रोड बनाई है। इधरले पासे भी ये जिन्हें आ लिखे होंगे ना स्लोगन, ये बहुत घंट लिखते हैं BRO, तो उधरले असी लेह लद्दाख भी देखे कमाल होंगे, तो सानू थोड़ा टाइम ही भाई ने खड़न दिता, जे शेयरिंग आओगे तो शायद ना खड़न देन, तो असी जिमें परसनल इन पूरा किराया दिता ता करके ने रुकन देता। चलो भाई साहब अभी ये नाल नाल तुसी ये भी देख जो जाते जाते पहाड़ा दी ना, मैं दो ही रुत्तां बालियां सोहनियां लगदियां, जां स्प्रिंग जां ऑटम। हुण स्प्रिंग है देख लो, पत्ते थोड़े थोड़े आ रहे हैं, कितना सोहना लग रहा आला दुआला। 20 मिनट बाद असी पहुँच गए ताशी व्यू पॉइंट। जे कार दे किराए की गल करा मैं तो रिजर्व च लैंदे आ 300 रुपया, 300 रुपया है ना रिजर्व में, तो शेयरिंग च लैंदे आ 60 रुपए एक जने दे। साडे कोले दोनों नहीं सीगे, तो असी 4 जने का किराया दे के उन्हूं लैके आए हैं, 4 बंदे बहिंदे आ, कहिंदा 4 जने का किराया दे दो फिर चल बड़ूंगा। 300 भी नहीं दिता, शेयरिंग च भी नहीं आए, विच बचा लड़ा मेल लभ के, तो लगभग 250 रुपया दे के असी इत्थे पहुँच गए। जदों दे असी सिक्किम पहुँचे हैं ना, खास करके गैंगटॉक, तो पौड़ियाँ ने साडी वधिया एक्सरसाइज कराई हुई है, सारा शहर क्योंकि उच्चा नहीं मैं, तो पौड़ियाँ चढ़निया पैंदियां, दिन च उतरनिया पैंदियां, कुल मिला के जिम लाने का वधिया इत्थे उह है। खुशी कहंदी इत्थों दा भार घटा के लैके जावांगे। 2 महीने बहुत खादा घरे, कदे पनीर वाले परौठे कदे गोभी वाले, क्योंकि पहाड़ों च सारा फिर इदा ही बनया हुंदा है उच्चा नीवां। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट शेरपा ट्रेडिशनल ड्रैस, शेरपा कम्यूनिटी इत्थे भी रहिंदी है जी, वैसे नेपाल च रहिंदी है ज़्यादा कम्यूनिटी, तो इत्थे भी रहिंदी है। बहुत सुने असी ये व्यू पॉइंट बारे, अज नाल तां खुद अखी देखदे आ नाल तुहानूं दिखाउने आ की कुछ दिखदा उपरों। बांदर तां नहीं? खुशी नूं तां इहो जे व्यू पॉइंट्स ते आ गए इक्को ही फिकर हुंदा वी बांदर तां नहीं हैगे। ओ एनक खो के लए आउंदे आ। वाह क्या बात है यार, इक गल दा यार इत्थे आ के देखिया, वैसे टैक्सी ड्राइवर तों आउंदे आउंदे सुणिया सीगा असीं कि इत्थे प्लास्टिक वगैरह बैन है बिल्कुल ही, तो बैन होने का कारण भी इतने देख पता लगता साफ सफाई कि सही है, जो प्लास्टिक बैन ना होंगे इतनी बिस्लेरी दिया लेस दे पैकेट जो तुरे फिर दे। हाँ भी इतने तुम्हें पानी मिलू ना, मैं थोड़ा अगे शो भी करूँगा, तो असी पानी का बॉटल लई है हूँ,
ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਲੇਰੇ ਦੀ ਬੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖੂਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਚੋਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 500-600 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਸ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਨਥੂਲਾ ਪਾਸ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਟੋਕ ਆਪਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੁੰਗਥੰਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਡੋਂਗਮਾਰ ਲੇਕ ਆ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਭੀ ਨਥੂਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਭੀ ਬਰਫ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਗਾੜੀ ਕ੍ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ 15 ਮੇਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਾ ਥਾ, ਆਜ ਸੇ ਛਾਂਗੂ ਤੱਕ ਦਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਮ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਂਸਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਆਈਏ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਰ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ
ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਗੋਰਖਾ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਰਖਾ ਅਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਿਟ ਪਤਾ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਔਫਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐੱਮ ਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਿੱਕਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਕੀ ਥੁੱਲਾ ਨਾ ਥੁੱਲਾ? ਹਾਂ, ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਬ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਬ 10 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਮੀਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਵੈਦਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਔਫਿਸ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਨੋਫਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰਿਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਪਸੋ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।